नरेंद्र कुमार पांडे नाम के इस योद्धा की असल पहचान इसके असल नाम से नहीं बल्कि उस नाम से है जिस नाम का सासाराम, टेहरी, आराम और उसके आसपास के इलाकों में कई सालों तक खौफ हुआ करता था और वो नाम है सुनील पांडे। जी हाँ, नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे का नाम उन सियासतदानों की लिस्ट में आता है जिन्हें बाहुबली कहा जाता है। रोहतास जिले के काराकट थाना इलाके के नावाडीह गांव में पैदा हुए सुनील पांडे ने एमए तक की पढ़ाई की है। कहते हैं कि अपराध का साम्राज्य सुनील को विरासत में मिला। इनके पिता कामेश्वर पांडे ने सेना की नौकरी छोड़कर अपराधियों का एक गिरोह बनाया था, लेकिन 1991 में उनकी हत्या हो गई और फिर सुनील ने उस गिरोह की बागडोर थाम ली। इसके बाद सिलसिला कुछ यूं चला कि रोहतास और भोजपुर जिले के कई इलाकों में सुनील पांडे आतंक का दूसरा नाम बन गया। सुनील को रणवीर सेना का कमांडर भी बताया जाता रहा है। सुनील ने साल 2000 में सियासत की दुनिया में दस्तक दी। हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे कई संगीन मामलों का आरोपी रहते हुए समता पार्टी ने उन्हें पीरो विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। बेशक सुनील कानून की नजरों में कई मामलों के आरोपी थे, लेकिन पीरो की जनता ने उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचा दिया। उस जीत के बाद सुनील का रसूख तो बढ़ा ही, साम्राज्य भी बढ़ने लगा। कई मामलों में आरोपी होने के बावजूद सुनील बेखौफ घुमा करते थे, लेकिन 18 मई 2003 को विधायक सुनील पांडे पर जो आरोप लगा उसने देश भर में सनसनी फैला दी। सुनील पर पटना के नामी न्यूरोसर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा के अपहरण का आरोप लगा। इस मामले में उन्हें आरोपी भी बनाया गया। इस बीच सुनील 2005 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू के टिकट पर पीरो से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 28 जून 2006 को नशे में पटना के होटल में हंगामा करने के चलते भी सुनील सुर्खियों में आए थे। उधर रमेश चंद्रा अपहरण कांड में निचली अदालत ने सुनील पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट ने सुनील को इस मामले में बरी कर दिया है और लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहने के बाद सुनील जेल से रिहा हो चुके हैं, जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो चुका है। जेल से बाहर आने के बाद सुनील एक बार फिर से कमर कस के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और इस बार भी जेडीयू की तरफ से उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है, लेकिन परिसीमन के बाद बदले समीकरण के चलते सुनील इस बार पीरो विधानसभा सीट की जगह तरारी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि आपराधिक मामलों के चलते जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर रखा है, लेकिन न सिर्फ वो अपने इस महारथी का निलंबन रद्द करने वाली है बल्कि उसे ये उम्मीद भी है कि इस महारथी के पराक्रम से उसके दूसरे योद्धाओं को भी जीत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मौर्य।